अच्छा ये अभी आपने ऐड किया अंडा? जी जी तैयब भाई, मैंने अंडा ऐड किया इसमें। हाँ, अंडा टिक्की आपने बड़ी देसी भी होगी और खाई भी होगी। हाँ जी, सबसे डिफरेंट है। सही अगर आप लोग एग्जैक्ट हीरो टिक्की वाले की लोकेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो प्रॉपर बना के गली तक जहां भी ये बैठे हुए हैं तक दिखाऊंगा। वीडियो लाजमी देखिएगा। तैयार हो चुकी है, इसके टेस्ट करके आपको बताते हैं और देखते हैं जी ये कैसी बनी। जी कैसा टेस्ट है? वाह जबरदस्त यार, ऐसे लग रहे जैसे देसी घी इसमें है और टिक्की वाला कुछ जायका बिल्कुल नहीं है। ऐसे लग रहे जैसे कोई ऐसे मलाई बोटी वाली कोई ऐसा खा रहे हैं। ये यार मैंने आज तक ऐसा जायका नहीं देखा। हालांकि टिक्की का तो नॉर्मल आम की होती है। जी जी भैया भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैंने बोला भी हुआ है। मेरी जो ब्लॉग बने हैं सब में बोला है कि सबसे यूनिक चीज़ है और सबसे डिफरेंट टेस्ट है। जी नाजिन बहुत ज़बरदस्त है, करें पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी घूम लें इतने मज़ेदार और इतना डिलीशियस आपको कहीं भी नहीं ये टिक्की मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई कह नहीं सकता कि यार टिक्की है। बाकी आपने इसमें आप जितनी मर्जी खा लें, आपने डबल खाना होगा फिर खा लेंगे ना तो ये आपको हजम होगा। और ये हमारी क्वालिटी है इस टाइप के, ये जो है ना आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत मतलब आया हूँ आजम खान मार्केट, मुझे पता ही नहीं था। आपको यकीन करें आप लोग भी यहाँ पे, मैं तो समझे इनका पक्का कस्टमर हो गया हूँ। आप लोग भी आप टेस्ट करेंगे खाएंगे आप लोग भी। और क्या प्राइस क्या है यहाँ पे आप लिए कहाँ से? एक अंडा बनता है 120। अच्छा, 120 की टिक्की और 40 का। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? आज मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ लाहौर के मशहूर दरवाज़ा दिल्ली गेट का। आपको एग्जैक्ट बताऊंगा जी ये हीरो टिक्की वाले कहाँ पड़े हैं। लाहौर में बहुत मशहूर है, इनकी प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं और जो भी टूरिस्ट बाइट के मुल्क से आता है लाहौर में वो लाजमी इस गेट दिल्ली गेट का विजिट करता है और यहाँ पर आकर जरूर टिक्की खाता है। जी लाहौर में हमने बहुत जगह आपने देखी होगी अंडा टिक्की, लेकिन इनकी जो स्पेशल खास बात क्या है आपकी अंडा टिक्की में? क्यों लोग यहाँ पर जो ऐसे भागे आते हैं? ये भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, आपने मुझसे पूछा कि आपकी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं। तो ये जितनी भी रेसिपी हम बना के लाते हैं ना, सबसे पहले तो ये हम घर से बना के लाते हैं, लड़के नहीं बनाते हैं। दूसरी इसमें खास बात है, पूरी रेसिपी में लाल मिर्च नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जितना भी सामान हम इसमें ऐड करते हैं ना, सारा ब्रांडेड और साफ सुथरा ऐड करते हैं, जो ए प्लस है। और इसलिए जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, बड़ा अलग अलग इसमें भी टेस्ट भी देता है और बर्कत भी आती है। और जो इसमें हम मसाले ऐड करते हैं, भैया मैं बताऊँ ये अब जो घर में लोग खाना बनाते हैं ना उनकी पहुँच से भी दूर है जो हम लेके आते हैं। सिर्फ एक चीज़ भी हमारी 25,000 रुपये केजी है। तो आपने प्राइस इतनी सस्ती रखी हुई है? ये अल्लाह की मेहरबानी, इतनी सेल होती है कि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह की बड़ी रहमत है, हमारा फ्रीजर अंदर है वो बड़ा होता है, वो हम सेल करके जाते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन, जो इतनी प्राइस कम है, हालांकि इतनी महंगाई हो गई है, इन्होंने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई और जो आपको क्वालिटी अच्छी देते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके काम में भी बरकत देता है। और जो है इनकी सेल ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, लेकिन सेल ज़्यादा होने की वजह से ये आप लोगों की समझे कि हिम्मत कर रहे हैं। और दो मरतबा आपको बताते हैं यहाँ पे उर्दू पॉइंट वाले भी आ चुके हैं। जी जी, अभी ये भाई के आई रहे जिन्होंने उर्दू पॉइंट की वीडियो बनाई है, अभी आई रहे हैं। क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ की? 5 बजे शाम को लगाते हैं, रात 2:30 बजे तक। अच्छा, संडे ऑफ। और क्या प्राइस क्या है यहाँ पे आप लिए कहाँ से? एक अंडा बनता है 120। अच्छा, 120 का 80 की टिक्की और 40 का। ठीक हो गया, इसकी वजह ये है कि सारी चीज़ें ओरिजिनल है, फेक कोई भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप ये दिखा सकते हैं टुकी की यूज़ करो। और ये देखें देसी घी भी डलवाना चाहते हैं तो? देसी घी खुद मलाई का बनाते हैं, तो देसी घी डलवाना तो फिर क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? जी वो 80 का पैकेट है। अच्छा, वो है एक डलवाना है, दो डलवाना है, पैकेट के हिसाब से होता है, वो आपकी मर्जी है। चीज़ें जो होती है ना क्वालिटी साफ सुथरी होती है, आप चेक करवा सकते हैं। नहीं माशाल्लाह, ये देखें कि साफ सुथरा है आपके यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? आज मैं मौजूद हूँ जी मस्जिद वज़ीर ख़ान के पास। आप देख सकते हैं जी ये पीछे मस्जिद वज़ीर ख़ान है। मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ जो है ये गली अंदर जाती है, यहाँ पर जो है हीरो टिक्की वाले हैं। चलिए इनके पास जाते हैं और इनसे बात करते हैं।
यहाँ पे जो खूबसूरत से बच्चे भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात तो करो। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जी। हम लोग जा रहे हैं जी हीरो टिक्की वाले के पास। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जी मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ ही गली जो है सामने अंदर जा रही है। अभी हम पहुंच गए टिक्की वाले के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे आप? आप सब खैरियत है? तो काइंडली मैंने तो मस्जिद वज़ीर ख़ान लोगों को बता दिया है, आप प्रॉपर एड्रेस लोगों को यहाँ बताएंगे। आप ये दिल्ली गेट से आप एड्रेस होंगे ना अंदर वाल सिटी में, तो आगे आएंगे एक चौक आएगा, वहाँ पे है मस्जिद वज़ीर ख़ान, बड़ी मशहूर है। ठीक है, और मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल सामने गली है जैसा कि आपने दिखाया, और एड्रेस होते साथ ही माशाल्लाह जी ये अपनी रात का खाना अपनी टिक्की खुद खाते हैं, क्योंकि इनकी जो है बिल्कुल आप देखते हैं बहुत सफाई से बनाते हैं। माशाल्लाह मैंने इनकी एक एक चीज़ देखी है, और जो है अभी खा के भी बताते हैं आपको इनका टेस्ट के बारे में भी। माशाल्लाह जो है यहाँ पर आप 5 बजे ये लोग आते हैं और रात के 1:30 से 2 बजे तक जो है यहाँ पर आपको जो है मिल सकती है। तैयार हो चुकी है, इसके टेस्ट करके आपको बताते हैं और देखते हैं जी ये कैसी बनी है। जी कैसा टेस्ट है? वाह जबरदस्त यार, ऐसे लग रहे हैं जैसे देसी घी इसमें है, और टिक्की वाला कुछ में जायका बिल्कुल नहीं है। ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई ऐसे मलाई बोटी वाली कोई ऐसा खा रहे हैं। ये यार मैंने आज तक ऐसा जायका नहीं देखा, हालांकि टिक्की का तो नॉर्मल आम की होती है। ये तो ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, जबरदस्त है। इसलिए मैंने बोला भी हुआ है, मेरी जो ब्लॉग बने हैं सब में बोला है कि सबसे यूनिक चीज़ है और सबसे डिफरेंट टेस्ट है। लड़की लगती है जी नाजिन, बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करें पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी घूम लें, इतने मज़ेदार और इतना डिलीशियस आपको कहीं भी नहीं ये टिक्की मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त है ये, कोई कह नहीं सकता कि यकीन है। बाकी आपने इसमें आप जितनी मर्जी खा लें, आपने डबल खाना होगा फिर खा लेंगे ना, तो ये आपको हजम हो। और ये हमारी क्वालिटी है इस टाइप की, ये जो है ना आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल रेंज व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये साइड पे बेल का बटन है इसको भी हल्का सा पुश कर दें ताकि मेरी न्यू से न्यू और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपना सद का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबी मुकद्दर हो आपका। पाक फौज जिंदाबाद, ग्रेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह।